बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुड्डू, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डू की दुनिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे, आमीन। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और सूजी के कबाब। तो करते हैं शुरू। ये मैंने पानी डाला है ताकि आलू का कलर ना चेंज हो। ये कच्चे आलू है, तो कच्चे आलू के बनाएंगे। इसको मैं कर लेती हूँ कद्दूकश। आलू मैंने कद्दूकश कर लिए, अब इनको दो तीन दफा पानी से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। आलू मैंने कद्दूकश कर लिए और दो तीन पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिए। अब इसमें डालूंगी ये बंद गोभी, ये दो चम्मच ऑयल है, ये आधी कटोरी सूजी है, सब्ज़ धनिया, पुदीना, अनारदाना, अनारदाने को मैंने कूट लिया, हल्दी, ये तो उसमें जाकर डालनी है चीज़ें, मिर्च है, ये दादर मिर्च है, नमक है, ये है काली मिर्च। तो अब करते हैं शुरू। पैन गर्म हो गया, तकरीबन मैं एक, ये बस इतना सॉल्ट डालूंगी एक चम्मच, और गर्म हो गया मैं ये सारे मसाले डाल देती हूँ। ये बस ऐसा करना है, अब मैं इसमें डालती हूँ पानी। ये तकरीबन डेढ़ गिलास पानी है। डेढ़ गिलास पानी मैंने डाला, अब कप पानी को बॉयल आता है तो फिर डालती हूँ आलू। पानी को बॉयल आ गया, अब मैं डालती हूँ आलू। साथ ही डाल देती हूँ ये बंद गोभी। अब ये आधी कटोरी सूजी है, वो भी मैं डाल दूंगी, यानी कि तीनों चीजें इकट्ठी पक जाए। तब तक इसमें को मैं पकाऊंगी जब तक ये पानी खुशक नहीं होगा। ये पानी अच्छी तरह खुशक होगा तो फिर इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। फिर बस ये पानी अच्छी तरह से खुशक होगा तो फिर मैं नीचे उतारूंगी चूल्हे से। बस थोड़ा सा पानी रह गया, अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। मैं डालती हूँ धनिया और पुदीना।
पानी दे के बिल्कुल खुशक हो गया। अब मैं ये मिक्स कर लेती हूँ, धनिया और पुदीना। अच्छी तरह से पानी खुशक होगा ना तो फिर ये सही बनेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको ये प्लेट में निकालती हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ ब्रेड क्रम्स। ये दो पीस मैंने मैंने लिए डबल रोटी के, उसको मैंने क्रम्स बना लिए। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, दो चम्मच डालूंगी मैदा, ये मेरे से मिक्सचर थोड़ा नरम हो गया था इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, ब्रेड क्रम डाले हैं और ये डाला है मैदा। सारी कटिंग कर ली है, अब रखते हैं पैन ऊपर। मेरे से वो मिक्सचर हो गया नरम, फिर मैंने इसमें डाली ब्रेड क्रम डाले, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और दो चम्मच मैदा। अब सेट हो गया, अब करते हैं शुरू। अब तेल गर्म हो गया है, आप जैसे मर्जी जब बनाएं, गोल बना लें, ऐसे बना लें, शेप जो सी मर्जी दे सकते हैं। अब करते हैं सैड चेंज चिंके। कबाब हमारे हो गए हैं तैयार, ये देखे माशाल्लाह छोटे छोटे कबाब। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, कोई पुदीने वाली चटनी उसके साथ भी खा सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।